हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 11th क्लास में हमने इससे पहले के सेक्शन में हमने रीड किया था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, बताया था आपको कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमको क्या बताता है बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको बताता है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल टाइप इन ए गिवन मॉलिक्यूल, इन ए गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात की थी हमने इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है ये हमको बताता है अबाउट रेशियो ऑफ एटम्स, एटम्स के रेशियो के बारे में बताता है, ठीक है ना। इन्हें मॉलिक्यूल, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, एक्चुअली हमें पता करना होता है रेशियो के बारे में, इसके बारे में रेशियो के बारे में। तो इसको निकालने के लिए बेटा तीन स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, गिवन मास बाय वॉल्यूम मास। सेकेंड स्टेप होता है टू फाइंड मोलर रेशियो, ठीक है ना। और तीसरा स्टेप होता है टू फाइंड सिंपल होल नंबर रेशियो या सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो या सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। ये तीन स्टेप्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बेटा एक टेबल मैं यहां बना रहा हूं और इसी टेबल को आप याद रखना। यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है ना। इधर पे लिखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एलिमेंट्स कौन कौन से। इसके बाद उस एलिमेंट्स की या तो परसेंटेज दी जाएगी, ठीक है ना, या फिर उसका कुछ ना कुछ मास दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपको दिया जाएगा इनका मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, ये गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें ये तीन स्टेप्स करने हैं। इन तीनों स्टेप्स को देखिए कैसे करते हैं, ये तो गिवन है सारी चीजें, आपको क्वेश्चन में मिलेगी। क्या क्या सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 तो लिखना है, एलिमेंट्स कौन कौन से ये दिए जाएंगे, परसेंटेज दी जाएगी उनकी, और मोलर मास आपको अगर नहीं दिया जाता तो याद रखना पड़ता है, एटॉमिक मास उनका याद रखना पड़ता है। अब पहला स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास बाय मोलर मास, यानी अगला कॉलम बनेगा मोल्स का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इससे नंबर ऑफ मोल्स आता है। अच्छा, इसके बाद है टू फाइंड मोलर रेशियो, टू फाइंड मोलर रेशियो, मोलर रेशियो निकालेंगे। मोलर रेशियो निकालने का तरीका क्या है, इसको मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स यहां पे आएंगे, ठीक है ना, उससे सभी को डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बनेगा मोल्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट
नंबर, ठीक है ना, हर एक पोल को क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड। फिर इसके बाद क्या आ गया, ये मोलर रेशियो आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे सिंपल मोल नंबर रेशियो, सिंपल मोल नंबर रेशियो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरी एक टेबल बन गई। ये तीन ही स्टेप्स करने हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा, तब ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक जैसे एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम है 29.11%, सल्फर 40.51%, ऑक्सीजन है 30.38%। यानी किसी साल्ट में इस तरीके से आपको इनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी जाती है। अब आपसे कहेगा कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने एलिमेंट हैं, तीन, एक दो तीन। कौन कौन से बेटा, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। परसेंटेज इनका क्या है, 29.11 सोडियम है, सल्फर जो है ये दिया गया आपको 40.51, ठीक है, और ऑक्सीजन इट इज गिवन 30.38। क्लियर, एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23, दैट फॉर सल्फर इज 32 एंड दैट फॉर ऑक्सीजन इज 60। दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन। अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसमें परसेंटेज कितनी है, 29.11 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है, और 40.51 डिवाइडेड बाय 32, और ये 30.38 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है बेटा। अब जब हम 40.51 को 32 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 1.26, और इसमें आ जाएगा 1.26, ये भी आ जाएगा लगभग इतना ही आ जाएगा, और फिर 30.38, ठीक है, तो 30.38 आ जाएगा 1.89, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब निकालेंगे ये आ गया इनका मोल्स। अब मोलर रेशियो निकालेंगे, मोलर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सब में सबसे छोटी छोटा नंबर कौन सा है, 1.26, उससे तीनों को डिवाइड कर दें, तो ये तो सेम हो गया दोनों, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.26 बाय 1.26, 1.26 बाय 1.26, ये आ जाएगा 1.89 बाय 1.26, ये वन आ गया, ये वन आ गया, ठीक है ना, और ये आ जाएगा लगभग 1.5। तो अब देखेंगे कि क्या ये सारे नंबर्स होल नंबर हैं? नहीं, रिडक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे छोटे से नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को ध्यान रखना जितने भी हैं सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये सारे सारे के सारे जो मोल्स हैं रिलेटिव मोल्स, ये क्या हो जाए, रिलेटिव मोल्स सारे क्या हो जाए, लगभग लगभग होल नंबर में बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ये तो है होल नंबर, ये होल नंबर, ये 1.5 है, अब 1.5 को कौन से मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2, 1 into 2, 1.5 into 2, यहां तक निकाल लिया। अब आपका देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, लिख लीजिए बेटा, एन ए एस
ओ ठीक है, तो आ जाएगा एन ए के सामने क्या है टू, तो इसके नीचे टू लिख गए। एस सल्फर के सामने क्या है टू, इसके नीचे क्या लिख गया टू। ऑक्सीजन के सामने क्या है थ्री, तो बन गया ठीक है ना एन ए टू एस टू ओ थ्री। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा बेटा। आज आप ज्यादा से ज्यादा इंपेरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल की वीडियो में हम इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फिर इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।